सो गाइस, आप सबको मालूम होगा हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस साल का बजट पेश किया था एंड उसके अंदर उन्होंने डिजिटल एसेट को लेके एक बिल पास किया था जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज आती हैं। सो उस बिल के बाद से काफी सारे लोगों में काफी सारे सवाल उठ गए कि क्या हमको जीपीयू के प्राइसेस नीचे देखने को मिलेंगे, क्या हमें सस्ते जीपीयू या फिर एमएसआरपी पे जीपीयू देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, या फिर माइनिंग का क्या होगा एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्या होगा। तो इन सारे पर मुझे काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिन से क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया जाए। तो इस वीडियो में आपके इन्हीं सब सवालों के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा और मेरा क्या मानना है इस बिल को लेकर या फिर क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट में, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अगर आपके कोई भी थॉट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट है वहाँ पे मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उनके सारे क्वेरी सॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा। सो वेल दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। और गाइज, मेरे चैनल पर पीसी रिलेटेड या टेक रिलेटेड सारी वीडियोज़ पड़ी रहती हैं। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटी भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सो इस बिल की कॉपी जो है मैंने सामने खोल ली है एंड यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो उन्होंने बोला है कि किसी भी तरह के डिजिटल एसेट के ट्रांजेक्शन में वो 30% टैक्स देंगी एंड प्रॉफिट पे भी आपको 30% देने का। मतलब आपने किसी डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट किया है एंड फिर आपको 30 मतलब आपको जो भी प्रॉफिट गेन होता है उसका 30% गवर्नमेंट को सीधे दिया जाएगा एंड अगर कोई ट्रांसफर भी होता है तो उसका 1% TDS। तो ये बेसिक जो बात हुई थी वो डिजिटल एसेट्स को लेकर हुई थी एंड इसके अंदर ही आपका क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है, NFT भी आ जाता है एंड भी थोड़े मोड़े जो और चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जीपीयू प्राइसिंग को लेके, और तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग वालों का क्या है। तो देखिए, ट्रेडिंग का जैसे कि सपोज आपने 1000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करे थे एंड उसमें आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ क्रिप्टो ट्रेडिंग में, एंड तो जब 100 रुपीज़ का जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा विच बी अराउंड 30 रुपीज़ एंड 70 रुपये जो होंगे वो आप होंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह जो है उस पर टैक्सेशन होगा। अब बात करते हैं जो माइनिंग वाला है। तो सपोज दैट मैं माइनिंग करता हूँ एंड मैंने 1000 रुपये की या फिर कह सकते हैं $100 की मैंने क्रिप्टो करेंसी या जो भी इथेरियम है वो मैंने अपने एक्सचेंज पर डाली, तो मुझे पहले जो गैस फीस है वो तो देनी पड़ेगी एंड उसके बाद मुझे $100 का $30 मुझे पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर गैस फीस हटा के मैं बस मान चलते हैं 60 रुपीज़ बच गए तो भी मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे हाथ में आ जा रहा है एंड उसको मैंने जो सेल किया जाहिर सा सेल करूंगा तो उस पर सारा का सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तो ये बेसिकली माइनिंग का है। अब यहाँ बताता हूँ कि होगा क्या फ़र्क क्या पड़ेगा। तो देखो, ट्रेडिंग वालों को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको बस ये कि टैक्सेशन देना। हालांकि 30% टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है लोग इसमें लूप होल्स भी ढूंढेंगे जल्दी आने वाले टाइम में एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन पर थोड़ा और ध्यान देगी और टैक्सेशन कम करने की कोशिश करेगी क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो एक जगह कुआँ है जहाँ पे आप पानी तरीके पैसा बह रहा है, बस मग्घा डाला या बाल्टी डाली और पैसा निकाले, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं माइनिंग वालों की। तो देखो, जो इतने पुराने माइनर्स हैं, जितने भी माइनिंग लोग इतने करते क्योंकि माइनिंग में बहुत सारे लोगों ने 10-10, 20-20 लाख का इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो माइनिंग नहीं बंद होगी। आपको सेकेंड हैंड जीपीयूज मार्केट में इतना कुछ खास देखने को मिलेंगे। सेकेंड हैंड आपको शायद देखने को मिले RX 570, 585, वो वाले जो कार्ड्स शायद वो ही मिले, बट बेसिकली आपको जो क्या कह सकते हैं लेटेस्ट कार्ड्स जो थे, सोच रहे हो कि माइनिंग में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसे मान लो किसी ने 3060 का बिल्ड बनाया, 3060 का बिल्ड बनाया, 3070, 3080, इस सब किसी का भी बिल्ड बनाया है, तो वो उस पर आपको सेकेंड हैंड कोई नहीं बेचेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट होगा एंड वो ओवर द टाइम अपना ROI जनरेट कर लेगा बहुत आराम से, इवन प्रॉफिट भी जनरेट करेगा। तो ये मैं आपको लिख के देता हूँ। हाँ, यहाँ से एक चीज़ ये होगी कि जो आपके माइनर्स हैं नए, मतलब काफ़ी सारे जो लोग नए लोग इस धंधे में उतरना चाहते थे, वो आप थोड़ा सा दो बार सोचेंगे, कतराएंगे भी, काफ़ी सारे लोग पीछे बैठेंगे। हाँ, तो ये है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग नए माइनिंग में आना चाहते हैं तो 10 में से अब सिर्फ 3 ही आएंगे, 7 के साथ बैक ऑफ कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबली चांसेस हैं माइनिंग जो भी माइनिंग के धंधे में आने वाले थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत देखने को मिले, प्राइसेस जो है थोड़ी अवेलेबिलिटी ये कह सकते हैं कि कार्ड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके मिले। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आप लोग जो बहुत सारे लोग मैंने देखा व्यूवर है वो यही बोलते हैं कि भाई स्कैल्पर्स और माइनर्स की वजह से, बेसिकली वो माइनर्स को दोष देते हैं कि माइनर्स की वजह से जीपीयू की जो प्राइसिंग ऊपर जा गई, बट मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोला है कि भाई माइनर्स का
या फिर स्कैल्पर्स का इतना बड़ा हाथ नहीं है। माइनस का तो बिल्कुल मैं हाथ ज़्यादा नहीं मानूंगा, स्कैल्पर्स को थोड़ा बता दें। देखो चक्कर ये है कि भाई पूरे ग्लोबल शॉर्टेज हो रखी चिप की, पूरी दुनिया में चिप नहीं है। यहाँ छोड़ो यूएस में गाड़ियों में कई जगह सिलिकन यूज़ होता है, उससे चिप्स बनती है। चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है वो बहुत स्लो डाउन हो गई, तो गाड़ियाँ नहीं बन पा रही, तो लोगों का बिलियन डॉलर का बिजनेस अटक चुका है, लाखों डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो भाई जीपीयू तो बहुत छोटी चीज़ है, तो ऐसा समझो, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से जीपीयू के प्राइसेस बढ़ चुके हैं कि भाई अगर आपको जीपीयू चाहिए तो भाई आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में जाकर थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर भी कमीशन कमाना चाहते हैं। तो ये भाई एक बिज़नेस है जिसको लोग बिज़नेस की तरीके ट्रीट कर रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इस 30% वाली लॉ के आने के बाद से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा माइनिंग इस लॉ के आने के बाद से, तो ऐसा नहीं है। माइनिंग अभी भी लोग दबा के करेंगे, उनका जो है आराम से प्रॉफिट जनरेट होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि उनको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा कम कमा पाएंगे वैसे का, बट प्रॉफिट वो जनरेट करेंगे। पहले 100 रुपये कमाते थे, मान लेते थे 70-60 रुपये कमा पाएंगे, बट हाँ प्रॉफिट वो अभी भी निकालेंगे। हाँ, आपको प्राइसेस थोड़े शायद कम देखने मिले, बट मेरे चांसेस उसके भी नहीं। और इसका एक चीज़ और हो सकता है कि मान लो अभी इथेरियम का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, बिटकॉइन भी ऊपर फिर से बुलन पे चला गया, जो कि जाएगा ही, आज से 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, मुझे पता है इस चीज़ को। तो भाई आपको और शॉर्टेज देखने मिलेगी, फिर और लोग कूदेंगे भाई नहीं यार ये, क्योंकि इंडिया ने लीगलाइज काइंड ऑफ लीगलाइज कर दिया। उन्होंने लीगल टेंडर बोला नहीं ऐसा कहीं, मैंने स्पीच देखी थी पूरी, उन्होंने स्पीच में कहीं लीगल टेंडर बोला नहीं, यहाँ पे भी उन्होंने लीगल टेंडर नहीं बोला, उन्होंने बस बोला है कि वो टैक्स चार्ज करेंगे। तो बट अगर आज वो टैक्स चार्ज कर रहे तो हो सकता है मे बी साल 2 साल बाद इसको एक लीगल टेंडर भी बना दें। पहले इसमें बहुत दूरी है, इस पर ज़्यादा किसी और वीडियो में डिबेट करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर भाई लोग अंधे के तरीके उतरेंगे, तो फिर आपको जीपीयू देखने को शायद ही मार्केट में मिले। बहुत अंधे तरीके से कमाई होगी लोगों की, या फिर कह सकते अंधे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो अगर आप एक पीसी बिल्ड करने को सोच रहे थे, मैं कहूँगा आपको अगर कोई सही डील मिलती है तो जीपीयू लपक लेना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अगर ये सोचोगे कि प्राइसेस कम हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, आपको फिर जीपीयू मिलता ही रहेगा, आप सालों साल बैठे रहोगे जीपीयू नहीं ले पाओगे। तो अगर आपका इस वीडियो से कोई क्वेश्चन रेज होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके जो डाउट्स होंगे इन चीज़ों से रिलेटेड वो सारे क्लियर होंगे। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट बाकी रह जाता है तो वो मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, मैं माइनिंग से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि अगर आप एक जीपीयू खरीदते हो गेमिंग, क्योंकि मैंने भी एक जीपीयू खरीदा था गेमिंग के लिए एंड मेरे वर्क के लिए, तो मैंने उससे पे माइनिंग भी करी है ताकि मैं अपना प्रॉफिट नहीं, मैं अपनी जो वैल्यू है उसको रिकवर कर सकूं। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने कैसे किया, वो मैं सबके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगर जीपीयू लेते हो ओवर प्राइस या फिर कह सकते इसी सब सिनेरियो चलते, तो अगर आप अपना प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, आप अपने पैसे कैसे रिकवर कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को देखना जरूर, और जब भी आएगी जल्दी आएगी चैनल पे तो उसको जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो और बाकी वीडियो को फैला दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो ताकि उनके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएं। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।